गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 9 का रामविलास शर्मा द्वारा रचित पाठ धूल। यह पाठ हमारे सेकंड पीरियोडिक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, अतः मैं आपको आज के इस वीडियो में इस पाठ का सार समझा देती हूँ। धूल पाठ में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने धूल की महिमा, महत्व और उपयोगिता का वर्णन किया है। लेखक पाठ का प्रारंभ कविता की इस पंक्ति से करता है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। लेखक का मानना है कि हीरे को तो साफ सुथरा चमकाकर रखा जाता है, परंतु धूल से लिपटा हुआ शिशु इतना प्यारा लगता है कि वह धूल से भरा हीरा सबका मन मोह लेता है। हम बच्चे को हीरे के समान मानते हैं, अतः बच्चा तो धूल मिट्टी में हो तो हमें अच्छा लगता है। धूल से सने हुए बालकृष्ण सबके मन को मोहते हैं। आधुनिक सभ्यता में पले हुए बच्चों को धूल में खेलने से रोकते हैं। जो आजकल के लोग हैं वो कहते हैं बच्चों को भी धूल में नहीं खेलना है, उन्हें लगता है कि धूल में खेलने से उनका स्तर गिर जाएगा। इसके विपरीत कवि ने धूल भरे शिशुओं को गोद में लेने वालों को सौभाग्यशाली वाली मानते हुए कहा है कि धन्य धन्य है वे नरमैले जो करत गाँठ कनिया लगाए धूरी ऐसे लरिकान की। मतलब वह लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो मिट्टी को माथे से लगाते हैं। लेखक के अनुसार जो लोग भोले भाले धूल भरे शिशु को उठाने से शरीर को मैला होना मानते हैं, तो उन्हें अखाड़े की मिट्टी से सने हुए लोगों के शरीर से बदबू आने लगेगी। परंतु जो बचपन में धूल से खेला है वो जवानी में कभी अखाड़े की मिट्टी से दूर नहीं रह सकता। अखाड़े की मिट्टी साधारण धूल नहीं है, वह तो तेल, मट्टी और मेहनत के पसीने से सनी हुई वह मिट्टी है जो पसीने से तर शरीर पर ऐसे फिसलती है जैसे कोई कुआं खोदकर बाहर निकला हो। अखाड़े में मेहनत करने से व्यक्ति की मांसपेशियां फूल उठती है। अखाड़े में चित्त लेटकर वह स्वयं को सारे संसार को जीतने वाला मानता है। मतलब अखाड़े की मिट्टी बड़ी भाग्यशाली होती है। मानव शरीर मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी ही उसके शरीर को मजबूत बनाती है। फूल मिट्टी की उपज है। संसार के रूप में रस, गंध और स्पर्श का ज्ञान भी इसी से होता है। मिट्टी और धूल में उतना ही अंतर है जितना कि शब्द एवं रस, देह एवं प्राण, चांद एवं चांदनी में होता है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है, जिससे उसके रंग रूप की पहचान होती है। धूल वह है जो सूर्यास्त के पश्चात गांव में गोधूली के समय शिशु के मुख पर और फूल की पंखड़ियां बनकर सौंदर्य को छा जाती हैं। गोधूली पर कवियों ने बड़ा खूब लिखा है, यह गाँव में होती है, शहरों में नहीं। यह गौ और गौ पालकों के पदों से उत्पन्न होती है। गौ कौन? गाय। गौपालक कौन? गाय को पालने वाले, उनके आने जाने से उत्पन्न होती है। एक प्रसिद्ध बुक पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की वेला में आने का आग्रह पढ़कर लेखक सोचता है कि शहर के धूल धक्कड़ में गोधूली कहाँ मिलेगी। मतलब शहर के लोग तो गोधूल के मिट्टी से दूर भागते हैं, गोधूली को वो तब प्रेम करेंगे। धूले के महत्व को रेखांकित करते हुए लेखक बताता है कि सती इसे माथे से और योद्धा आंखों से लगाता है। यूलियस ने विदेश से स्वदेश लौटने पर सबसे पहले इथाका की धूली चूमी। मतलब कोई भी जो सैनिक होता है वह अपनी जन्मभूमि को सबसे पहले प्रेम करता है। वहीं घृणा के लिए धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। धूल जीवन का यथार्थ एवं धूली उसकी कविता है। मिट्टी काली, पीली, लाल अनेक रंगों की होती है, परंतु धूली शरद के उजले हुए बादलों जैसी होती है। किसान के हाथ पैर, मुंह आदि पर छाई हुई धूल ऐसे ही असली हीरे हैं। हम जान पाएंगे तब जब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को माथे से लगाना सीख जाएंगे। यहाँ पूरे पाठ में धूल का महत्व बताते हुए रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि, अतएव अपनी धरती माँ से प्रेम करता है, वह स्वतः ही जीवन में सब कुछ पा जाता है। अतः हमें धूल मिट्टी से कभी नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धूल से ही हमारा जीवन बना है। अतः हमें अपनी मातृभूमि के साथ अपनी धूल मिट्टी को भी प्रेम करना चाहिए। यह था धूल पाठ का सारांश। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। इसका अभ्यास करें, यह आपके पीरियोडिक पाठ्यक्रम में शामिल है। उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ में आपको कुछ ऐसी बातों का ज्ञान मिला होगा कि हमें प्रकृति से बनी चीज़ों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।